अगर हम बिजनेस को लेकर बात करें, व्यापार को लेकर बात करें, तो ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से कोरोना के समय में बिजनेस प्रभावित हुआ है, और उसके साथ ही जो मजदूर वर्ग है सबसे ज़्यादा जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ा है। संजय निर्माल, MD फोनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें पिछले समय की, तो काफ़ी समय तक लॉकडाउन रहा, और जाहिर सी बात है अगर इंडस्ट्री में व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मजदूर वर्ग का हुआ है। रोज़ कमाने खाने वालों को भी नुकसान हुआ है, जिनको जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपके सामने क्या कुछ चुनौतियाँ थीं और कैसे आपने उन चुनौतियों से पार पाया? सभी न्यूज वन के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा न्यूज वन इंडिया को कि जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया है और सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म से सबको इकट्ठा करके यहाँ एक मंच पे लाने का मौका दिया है। मैं जो है सबसे जो बेसिक चीज़ है किसान, उनके साथ जुड़ा हुई हमारी कंपनी है। फार्मास्यूटिकल में हम डील करते हैं, मेडिसिन में डील करते हैं, और वेटनरी डॉक्टर्स को कोई नहीं जानता और किसान की तरफ मतलब ध्यान बहुत कम है। और आज किसान खुशहाल होगा तो सबके ज़्यादा जो है उसके पास इनकम होगी, और हमने किसानों की खुशहाली के लिए हमारा एक ही मोटो है कि पशुपालक की खुशहाली होनी चाहिए, और उसको हमने बेसिक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया। और अभी तक फार्मर्स जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको अवेयर करने के लिए हमने जूम पर उसको आकर के लेकर के आए, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको साथ में कनेक्ट किया। और बिल्कुल सही कहा जो है सर ने कि नेगेटिविटी से ज़्यादा लोग पैनिक हुए थे, तो सबको जो है पॉजिटिव करने में काफ़ी हेल्प की। फार्मर्स को हमने काफ़ी पॉजिटिव किया, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जो फार्मर्स गांव के लेवल पे हैं वहाँ आप देखेंगे कैजुअलिटी के चांसेस भी कम हुए हैं। और मैं तो थैंक्स कहना चाहूँगा, कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया है, हमें एक जिंदगी का नया नजरिया सिखा दिया है और इंसान से इंसान की वैल्यू समझा दी है। क्योंकि नहीं तो पहले जब है ना सब अपने अपने उसमें रहते थे, लेकिन अब जो है सब एक दूसरे के पास आए हैं, एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझा है। और हमारी कंपनी जो है और हमारी डेडिकेशन टीम डॉक्टर्स के पास जाकर के टाइम टू टाइम फार्मर्स के पास जाकर के उसको अवेयर किया है। और अभी इस प्लेटफॉर्म पे हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन, अभी वेटनरी में किसी कंपनी ने स्टार्ट नहीं किया कि ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और फार्मर जो किसान हैं, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, लेकिन कहते हैं ना फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं समझता। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉइल टेस्टिंग की सुविधा है, जब तक किसान को मालूम नहीं होगा कि उसकी खेती के अंदर किस चीज़ की न्यूट्रिएंट की कमी है, उसकी जांच करवा करके वो वही चीज़ डालेगा तो आउटपुट अच्छा ले सकता है। तो हमारा मोटो यही है कि पशुपालक की खुशहाली हो, जो चीज़ों की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उसकी जांच करके हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं, और काफ़ी इसमें बेनिफिट मिल रहा है, और फार्मर्स को हम आगे लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरी है कि देश का किसान आगे बढ़े, और यही देश की पहचान है, कृषि प्रधान देश है हमारा।